एक हौलदार तो एक सिपाही सस्पेंड करने या कार्रवाई करने नशे का धंधा तो बंद नहीं हो जाना। इस गल की मांग करते हैं सरकार को कि ये सारे काम की जांच जी है किसी सीनियर जुडिशियल अधिकारी तो कराया जाए चाहे किसी हाई कोर्ट के जज से जुम्मे लाया जाए। जे लीडर का या बाकिया का डोप टेस्ट कराया जा सकता तो वे सारी अकैडमी के अफसर का मुलाजमान का सारे का डोप टेस्ट सरकार करा ले। जे पुलिस की इनकुआरी पुलिस नहीं करनी है वह रिजल्ट जो निकलना वह छोटे छोटे बच्चों तक हरेक न पता की रिजल्ट निकलना। मैं पुलिस अकैडमी का जो भी डायरैक्टर हैगा जो इस वे जी इंचार्ज है या नहीं है लेडी है या ऑफिसर कोई भी होनू मैं मनता उन्होंने मैं दोषी मनता। पुलिस अकैडमी के धंधा हो लाहौर के थाने के धंधा होने बचे इलाके के तबाह हुए इन्ने परिवार उजड़े आ इन्हों का जिम्मेवार ये सारे लोग है। पंजाब के सबका मंत्री गुरविंदर सिंह अटवाल वालों फिलौर विखे एक पत्रकार वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने आख्या कि पंजाब पुलिस अकैडमी के किले विच जो नशे के मामले विच पुलिस मुलाजम फड़े गए ने उस सारे मामले की किसी रिटायर्ड जज को जांच करवानी चाहिए है ता जो पता लग सके कि जिस पुलिस अकैडमी विच आके पंजाब पुलिस नू ट्रेनिंग मिलती है उत्थे नशा कित्थों आउंदा सी। उन्होंने कहा कि इस संबंधी जिम्मेवार अधिकारियों खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए है। नशे का नर्क साड़ी इस पुलिस अकैडमी विच फैलिया अपने आप विच एक बड़ी शर्मनाक गल है लेकिन जो वो उत्ते हुण पर्दा पाया जा रहा वो बारे भी उदू भी ज़्यादा शर्म वाली गल ये है भी एक हौलदार तो एक सिपाही सस्पेंड करने या कार्रवाई करने नशे का धंधा तो बंद नहीं हो जाना लेकिन किसी भी अफसर न किसी बड़े बंदे नूं हाले तक किसी ने कोई पूछगिछ नहीं की। मैं इस गल लई तुहानूं सारे भरावां नूं कष्ट दिता भी आपां इस गल की मांग करते हैं सरकार कोलों कि ये सारे काम की जांच जिहड़ी है किसी सीनियर जुडिशियल अधिकारी तों कराया जाए चाहे किसी हाई कोर्ट के जज से जुम्मे लाया जाए चाहे किसी बड़े जुडिशियल अफसर दे जिहड़ा जांच करे। जे पुलिस ने पुलिस की जांच करनी उहदे चों कुछ नहीं निकलना लेकिन नाल मैं ये भी कहना चाहुंदा भी जे लीडरां दा जां बाकियां दा डोप टेस्ट कराया जा सकता तो वे सारी अकैडमी के अफसर का मुलाजमान का सारे का डोप टेस्ट सरकार करा ले आपे गल नंगी हो जानी है। और ये अकैडमी जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहरले मुल्कों तो भी आते एड्डी वड्डी अकैडमी एड्डी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन ये तो सारी दुनिया च मैं समझता भी ना खराब होया अकैडमी का पुलिस का और साडे सूबे का साडे शहर हुण भी मैं लगता भी इस गल ते पढ़दा ही पाया जा रहा क्योंकि डायरैक्टर जिहड़े वड्डे अफसर है अकैडमी के जिदा जिहड़ी बीबी अज डायरैक्टर है साडी पुलिस ट्रेनिंग अकैडमी दी ये नैशनल पुलिस ट्रेनिंग अकैडमी च भी जा चुके हैं उत्थों भी इन्हां नूं अपने डेप्यूटी जो तो पहले ही वापस कर दिता सी। सिर्फ ड्रामा ही हो रहा जो हो रहा इनकुआरी कराओ किसी जुडिशियल अफसर तो करा लो आप ही गल नंगी होजू। जे पुलिस की इनकुआरी पुलिस नहीं करनी है वह रिजल्ट जो निकलना वह छोटे छोटे बच्चों तक हरेक न पता की रिजल्ट निकलना। साड़ी बेनती यह है बहुत दुखदाई चैप्टर है यह पंजाब का नशिया का ये उत्ते जे सरकार सच्ची मुची सीरीयस है तो पुलिस ट्रेनिंग अकैडमी फलौर में चल रहे नशा रैकेट जोड़े आ नशा ड्रग रैकेट कह लो वो बारे अपना सच्ची मुची न्यायिक जाँच करा के गल लोगों के मोहरे रखन ताकि लोगों नूं इस गल का विश्वास होवे भई सरकार नशा बंद करन लई सीरीयस है। उधर महात्मा गांधी पीस मिशन के सकत्र ब्रिज गोयल ने कहा कि पुलिस अकैडमी विच जो नशे का कारोबार चल रहा है उस लई सीधे तौर पर पुलिस अकैडमी के डायरैक्टर की भी जिम्मेवारी बनती है। जो पंजाब पुलिस अकैडमी के विखे जो कारा होया इतों मुलाजम फड़े गए हैं नशा बेचते नशे का व्यापार करते मुलाजम फड़े गए हैं सारे हिंदुस्तान ही नहीं सारे दुनिया के लानत पड़े पंजाब के उत्ते बहुत ही शर्म वाली गल है और साढ़े शहर ले असी सारे लोग जोड़े शहर के बहुत चिंतित है शहर इलाका निवासी बहुत भारी दुख है कि साढ़े शहर की पुलिस अकैडमी का नाम बदनाम होया सा पुलिस का ना जोड़े पुलिस के जोड़े माड़े अफसर आ माड़े
ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਮਾੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗਲਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਲੌਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ।